अब जब ये गाड़ी वाले को जाने का था राइट, तो ये आ गया लेफ्ट में और लेफ्ट वाले लोग को जाने नहीं देता और फिर आगे से उसने राइट में डाल दिया। बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं। ये ही तो मेन प्रॉब्लम है भाई साहब। बहुत दिनों के बाद जब तुम सोचते हो कि व्लॉग करेंगे और फिर बाद में पता चलता है कि जो चीज़ से तुम व्लॉग करने वाले हो उस पर ऐसे धूल मिट्टी रहेगी, तो फिर कैसे लगेगा। मेरे भी कुछ कंडीशन ऐसी ही है, और जैसे हमारे हेलमेट पे धूल मिट्टी लगी है वैसे हमें भी अभी नहाने जाना पड़ेगा, और अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। एंड द टाइम राइट नाउ इज 2:00, सो लेट मी हैव क्विक शावर एंड कम राइट नाउ इटसेल्फ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। टुडेज व्लॉग इज गोना बी मोर फन, एंड ऑल्सो आज हम लेके जाने वाले हैं हमारे आरसी को। सो आरसी के साथ वीडियो हम लोग ने नहीं बनाया है, सो आई थॉट दैट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइंड शुभम जो आया था लोनावला में, वो वाला नहीं, मेरा दूसरा फ्रेंड है। सो यू आर गोना मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई ब्लॉग। सो इवन ही इज गॉट इज न्यू KTM ड्यूक 200 जो कि 2021 में लॉन्च हुआ है, और साथ ही साथ आपको तो पता ही है मैंने RC लिया। तो मैं सोचा कि फिलहाल एक छोटा सा राउंड मारा जाए, और हमने यहाँ पे बगमैन पे यहाँ पे हेलमेट पे हमारा DJI Osmo भी अटैच किया है। सो आई थॉट कि हम लोग जाते हैं छोटा राउंड के लिए, और छोटे राउंड के साथ साथ फिर मैं आपको मेरे बाइक के बारे में और ज़्यादा अच्छे से बता भी पाऊँगा। सो आई जस्ट थॉट दैट जाते अभी, लेट्स नाउ गो एंड मीट शुभम, ही इज वेटिंग ऑन द वे। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू मीट शुभम एंड ही स्टैंडिंग अ बिट अहेड आउट हियर। बहुत टाइम के बाद ऐसे मैं शूट कर रहा हूँ और बहुत सही लग रहा है। ब्रो ऑल गुड, आई मीन दिस इज द DJI Osmo कैमरा, एक्शन कैमरा। He actually wanted to see, and right now we've got his new KTM Duke 200, and this is our RC as everyone knows. बहुत time हो गया था ऐसे मोटर व्लॉग भी नहीं किया था, और मैं शुभम को भी पूछा, as before he was a subscriber to me and then later on we became very good friends. Also and then I told him के काम करते round पे जाते, तो चल जाते, we'll go to Nariman Point, ठीक है, चलो। और शुभम कैसा लग रहा है? हाँ बारिश तो आने वाला है। और ये हम पहुँच गए हैं बाबुलनाथ। सो बेसिकली जब भी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था दैट टाइम इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 4:00, एंड बिकॉज आई हैड सम वर्क, सो आई थॉट कि तभी थोड़ा इंट्रो रख के उसके बाद मैं काम बता के फिर बाद में व्लॉग करता हूँ, बिकॉज फिर काम के टाइम से मैं व्लॉग करूँ दोनों चीज़ हक्टिक हो जाती है। सो आई थॉट कि पहले एक चीज़ कम्प्लीट कर लूँ फिर दूसरी चीज़ कम्प्लीट कर लेते हैं, और काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यू नो यू शुड ऑलवेज कीप योर वर्क प्रायर, इवन दिस इज माई प्रायर वर्क, बट देन वो जो काम था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से बाद में वो काम पहले मैंने बता दिया, और अभी इसके लिए हम प्रॉपर भी व्लॉग कर सकते हैं। सो द टाइम राइट नाउ इज ऑलमोस्ट 6:10 एंड वी हैव क्रॉस बाबुलनाथ एंड नाउ वी विल बी टेकिंग। यही तो प्रॉब्लम होती है भाईजान। अब जब ये गाड़ी वाले को जाने का था राइट, तो ये आ गया लेफ्ट में और लेफ्ट वाले लोग को जाने नहीं देता और फिर आगे से उसने राइट में डाल दिया। बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं कसम से। बहुत टाइम के बाद में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं नरिमन पॉइंट, स्पेशली मैं तो बहुत टाइम के बाद में आ रहा हूँ, और शुभम एक्चुअली सैंडा क्रूज में रहता है। ग्रेट इवनिंग टाइम, या सो ही एक्चुअली वर्क्स आउट हियर, सो समटाइम्स ही कॉल्स मी, एंड देन वंस आई थॉट दैट यू नो एज ही वाज सेइंग दैट आई वांट टू कम इन योर व्लॉग सिद्धांत एंड आई वांट टू सी हाउ यू व्लॉग, सो आई थॉट कि लाइक यू नो चलो दिखा देते शुभम को हम लोग कैसे व्लॉग करते, और सोचा कि अगर व्लॉग करना है तो हम कुछ कंटेंट पे बनाए, और कंटेंट भी मिल गया जो कि RC 125 और Duke 200। सो हियर वी आर फाइनली एट नरिमन पॉइंट,
अरे अरे शुभम लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद ऐसे हम लोग मेलबर्न पॉइंट के बाद यहाँ पे आया हूँ मैं, एंड इट फील्स अमेजिंग आफ्टर सीइंग दिस व्यू, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। और बेसिकली ये लॉकडाउन के बाद में वापस से चालू हुआ, वरना जो बीच में लॉकडाउन था अप्रैल मई के टाइम पे, तभी यहाँ पे पब्लिक अलाउड ही नहीं थी। सो बेसिकली अभी ऐसा लग रहा है कि सब नॉर्मल ही हो गया, बिकॉज कोविड वैक्सीन के डोसेज भी अभी ऑलमोस्ट सब लोग के सेकेंड डोसेज भी हो गए, तो फिर बाद में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने आधे से ज़्यादा चीज़ सब खोल दी है। सो शुभम को एक्चुअली मैं बता रहा था कि ये फिट कैसे होता है। अभी हम लोग ने इसमें से चेक किया फुटेजेस, सो इसमें क्या प्रॉब्लम आया कि जब मैं चला रहा था आरसी तो वो नीचे का जो रोड है वो शूट हो रहा था, और बेसिकली ज़्यादा ऊपर की चीज़ें शूट हो नहीं पाए। इसके लिए फिर बाद में शुभम ने मुझे आइडिया दिया कि थोड़ा इसको ऊपर ऐसे बेंड रख, बाकी तो तुझे पता है कि स्टार्ट और स्टॉप कैसे करते सिद्धांत। मैंने बोला ठीक है, और अभी मैं आपको शुभम से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। टॉकिंग अबाउट शुभम आउट ईयर, सो आप लोग को पता रहेगा एमबी वैली क्या है, बता दे। अच्छा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है हमारे यहाँ एमबी वैली, क्या बोलते हैं उसको, एमबी वैली रन, दी वैली रन। एक साल में एक बार ये वैली रन रहती है, इट्स इन एमबी वैली। आई गेस मोस्ट ऑफ यू गाइज माई बी नोइंग, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस एंड अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। इट्स इन लोनावला एंड आई कैन से अहेड लोनावला, टाइगर पॉइंट के अहेड आप थोड़ा क्रॉस करोगे तो वहाँ पे है। तो बेसिकली वहाँ पे कैसा है कि बहुत काइंड ऑफ स्कूटर्स बाइक्स आते हैं, ड्रैग रेसिंग होता है वहाँ पे, तो ड्रैग रेसिंग के ऊपर से ही इज वन ऑफ द रेसर आई कैन से ड्रैग रेसिंग में ना। तो मेरा हम लोग का फ्रेंडशिप कैसा हुआ मैं बताता हूँ। सो बेसिकली थ्रू म्यूचुअल्स वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, एंड आई कैन से थ्रू वंश के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, और फिर बाद में उसके बाद में धीरे धीरे वो मेरे वीडियोस देखने लगा, एंड देन ही बिकेम अ गुड सब्सक्राइबर ऑफ माइंड। सब्सक्राइबर से फिर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने, और फिर मैं आरसी लेने से पहले शुभम ने उसका ड्यूक 200 लिया था। सो ड्यूक और आरसी आपको दोनों एक अच्छे सिनेमैटिक शॉट में दे दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। सो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, सो ही बॉट हिज ड्यूक 200 बिफोर आई बॉट आरसी, एंड तभी मैं आरसी लेने के पहले मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे बाइक्स में कन्फ्यूज था। And then later on when I told him that I'm going to buy RC 125, so he told me that Siddhant, why are you going for 125 instead go for 200, or if you can wait then go for 390. And it's not about speeding also, it's about that ज़्यादा CC वाले bikes हैं ना बहुत कम mileage देते हैं, एक चीज़ ये notice करना, और जितने कम CC वाले bike है वो ज़्यादा mileage देते हैं। इसके लिए तो मैंने 125 लिया, एंड बिकॉज मेनी पीपल टोल मी, आई थिंक मोर देन, चलो बोल ही देता हूँ 50 लोग के ऊपर मेरे को सब लोग ने बोला कि मत लेना बाइक, तुमने लेके इतना गलती कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एंड सेकेंडली मेरे को तो ऐसे लगता नहीं है कि मैंने, मतलब ऑब्वियसली 125 सीसी वाला बाइक तो कोई लेता नहीं है, क्योंकि 125 तो खाली एक स्कूटर भी रहती है। अप्रैल 150 सीसी वाली स्कूटर है। सो दीज आर बोथ बेबीज आउट हियर, Duke 200 and RC 125. So now talking about this Duke, so this is an 200cc bike and it gives a mileage of how much? 30 to 34 mileage देती है, and ये जो है ये है RC 125, और ये देती है almost 35 की average. So this is an 125 bike and this is an 200 bike. So this is naked and this is a ball fairing bike and this is a naked bike. So the difference between both of them is that, so इसमें basically a person who is riding the bike can sit comfortably, but अभी मैं अगर आपको RC पे बैठ के दिखाऊँ तो आपको मैं बताता हूँ मैं कैसे दिखूँगा। ये प्रॉब्लम होता है, बट एक्चुअली अगर आप देखने जाओ लुक वाइज और चलाने वाइज आप लोग को बहुत कंफर्टेबल लगेगा, बट मेन प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपको बेंड होना पड़ेगा, और ज़्यादा करके अगर आपने स्पोर्ट्स बाइक रहेगा तो स्पोर्ट्स बाइक बेंड वाले ही होते हैं। नो डाउट ये बाइक्स भी आते हैं स्पोर्ट्स बाइक में, बट इफ यू कंपेयर दिस बाइक इन स्पोर्ट्स, एंड दिस इज ऑल्सो टेकन ऑन द ट्रैक्स, इट्स अ रेसिंग एडिशन बाइक, या इट्स अ रेसिंग कॉम्पिटिशन बाइक। सो आरसी का पूरा मतलब है रेसिंग कॉम्पिटिशन, KTM RC रेसिंग कॉम्पिटिशन 125 बाइक इसके लिए। और ज़्यादा करके बहुत लोग बोलते हैं कि कमर दिखता है, अभी नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में जब आपको आदत गिर जाएगा तब उतना नहीं दिखेगा जितना आप लोग सोचते हो, बट हाँ ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस होकर चलाओगे गाड़ी तो शायद दुख भी सकते। एक्चुअली मेरे बाइक में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अभी है ना उसको मैंने फर्स्ट सर्विस करा दिया है,
सेकंड सर्विस कराना बाकी है, सो सेकंड सर्विस मैंने नहीं करा है। और यहाँ से कुछ तो है ना आवाज़ आ रहा है, जब भी मैं ब्रेक मारता हूँ या कभी भी कुछ खड्डे वड्डे अवॉइड करना ट्राई करता हूँ, सो सरफेस टच वाले बाइक है। तो इसका कैसा है कि जब भी ये कोई भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाती है तो इसका जो नीचे साइलेंसर है जो ये साइड पे है, आपको दिखा देता हूँ, जो इसका साइलेंसर है ये ऑलमोस्ट स्पीड ब्रेकर को टच होता है। सो जैसे टच होता है तो वो आवाज़ आ जाता है। सो दैट इज द वर्स्ट पार्ट आई कैन से, बिकॉज सेम ईयर विद ड्यूक 200 इसके साथ भी होता है। हाँ, मुझे लगा था इसके साथ ही होता है। सो द साइलेंसर आउट देयर गेट्स टच्ड टू द स्पीड ब्रेकर और टक करके आवाज़ आता है, सो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है एकदम इसका। हाँ, इसका भी वही है, तो मेरे बाइक का भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। और मेरे हिसाब से अभी इसका सर्विस का टाइम आ गया है, जो कि अभी जल्द हम लोग KTM सर्विस सेंटर लोअर बैरल में जाके हम लोग करा देंगे। और ये डॉगी इतना क्यों भाग कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, इधर उधर भाग रहा है, देखो ना। FYDC, I remember कि मैं यहाँ पे आता था एंड आई यूज़्ड टू कम हियर अकेले, और कॉलेज के फ्रेंड्स रहते थे तो कॉलेज के फ्रेंड्स यहाँ आता था कभी कभार, स्कूल के फ्रेंड्स मिलते थे तो हम लोग स्कूल के फ्रेंड्स यहाँ पे आते थे, यहाँ पे हम लोग टाइम पास करते थे यहाँ पे ही। और मेन चीज़ से क्या डरता था पता है, जो कि अभी मैं भी अभी भी डरता हूँ कि है ना, हम लोग ऐसे सेल्फी लेते थे कभी अगर फ़ोन नीचे यहाँ पे गिर गया तो फिर कैसे हम लोग वापस ले लेंगे। Used to come here before? Yeah, many times. What do you prefer? To come in evening or afternoon? Afternoon evening, में कैसा रहता है? Afternoon में कैसा रहता है पता है कि ज़्यादा धूप रहता है, क्योंकि होता है एकदम वो सर पे एकदम धूप लगता है तो इरिटेट होता है। Evening में peaceful लगता है और बहुत सही भी लगता है, और जब sunset होता है तो बहुत सही, कभी कभी ray of horizon भी दिखता है। Ray of horizon पता है ऊपर से तीन लाइट जब ऐसे गिरती है नीचे सी में, वैसे तो वो वहाँ पे एक्चुअली ये सब सीनिक ब्यूटी कैप्चर करने को बहुत सही लगता मुझे, है ना। हाँ, ओनली अ फोटोग्राफर कैन नो व्हाट अ फोटोग्राफर कैन क्लिक। सो शुभम, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तुम्हारा ड्यूक 200 चला सकते हैं? क्यों नहीं चला सकते, चलेगा? यू कैन ब्रो, पक्का? हाँ, 100%। अरे हाँ ब्रो, आर यू श्योर? यस ब्रो, लॉक इट। या लॉक किया जाए? लॉक करो। थैंक यू। चलो तो अभी हम ये चलाएंगे और शुभम जी हमारा RC 125 चलेंगे। कैसा अभी अंधेरा हो रहा था तो फिर मैं बोला शुभम को कि ज़्यादा कुछ छूट तो नहीं कर पाएंगे। अरे हमने चालू की है ड्यूक 200, बट एक चीज़ है ना इसमें मेरे को जो अच्छी नहीं लगी मैं चीज़ बोल देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट टाइम खाली मिरर डलवा देना भाई। ओके, मिरर खाली डलवा देना। मिरर? यस। ओके, क्योंकि मिरर इज अ मस्ट, दैट इज आई एम सेइंग, बट इसे सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। ओके ओके सर, राजू से। यस सर, चलो। तो जब भी मैं चला रहा हूँगा तो मैं भी कुछ ऐसे ही दिखता हूँगा मेरे RC पे, एंड दिस इज हाउ आई गेस आई एम लुकिंग ऑन माई RC व्हेन आई राइड इट। सो नाउ आई कैन से शुभम इज राइडिंग इट। सो ऐसा लग रहा है कि मतलब काश शुभम मेरा हेलमेट पहन सकता और काश वो मुझे ऐसे शूट कर पा सकता। शाम के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक लगना इज कंपलसरी,
आराम आराम से अभी जाना पड़ेगा। देखिए मूविंग है, मूविंग ट्रैफिक है, लेकिन अगर ये फ्लाई ओवर से आप आते हो, प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाई ओवर जिसको हम बोलते हैं, इफ़ यू कम फ्रॉम द फ्लाई ओवर यू जस्ट फील लाइक यू नो यू आर लैंडिंग डाउन द एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा ट्रैफिक दिखता है, पूरा ट्रैफिक। ऐसे तो है मूविंग ट्रैफिक, लेकिन ट्रैफिक में आपको भी पता है सब लोग का सर दर्द होता ही है। How did you like it? I enjoyed it. Liked it? Yeah. अच्छा लगा? हाँ। मुझे भी बहुत मजा आया। Actually, this was gonna be a plan of day before yesterday, but then unfortunately वो दिन तो बारिश हो रहा था, तो फिर मैं शुभम को बोला भी था कि हम लोग जाएंगे, but then बारिश इतना हो रहा था, फिर मेरा भी मूड चला गया, और फिर बाद में उसको बोला नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और वैसे भी अभी दो दिन के बाद आई एम ट्रैवलिंग टू अ प्लेस, तो शुभम ऑलरेडी नोस इट वेयर आई एम ट्रैवलिंग, राइट? सो नाउ लेट मी कीप दैट एज अ सस्पेंस फॉर यू पीपल। सो एक काम करते हैं, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो विद एनी सॉर्ट ऑफ रीजंस, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आउट हियर ऑल्सो शुभम इज साइनिंग ऑफ, होप दैट यू ऑल्सो कम विद मी सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है? वेरी सून अहेड इन माई न्यू ब्लॉग्स, ओके? तो एक काम करते हैं इसके साथ, बाय बाय, टेक केयर, शब अगेन, और मिलते हैं इन द न्यू एंड द सून सुपर ब्लॉग, ओके? बाय बाय, बाय बाय, हियर ऑल्सो शुभम साइनिंग ऑफ।